चीन से निकल कहां जाएंगी विदेशी कंपनियां, भारत के लिए चुनौती बना वियतनाम। टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कहां जाएंगी चीन से निकलकर कंपनियां, क्या वियतनाम को पछाड़कर भारत बनेगा बॉस। कोरोना वायरस के केस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, चीन के लिए दूसरे देशों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। चीन भले ही कोरोना के फैलने में उसका कोई रोल नहीं होने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका जापान के साथ यूरोप के देशों ने चीन से अपनी कंपनियों को शिफ्ट करने का मन बना लिया है। यह भारत के लिए किसी मौके जैसा है, लेकिन यहाँ भी सब इतना आसान नहीं है। देश के सामने वियतनाम नाम की चुनौती खड़ी है। दरअसल पिछले साल तक चीन प्रोडक्शन हब रहा है, अब वहाँ से शिफ्ट होने का सोच रहे देश किफायती एशियन कंट्री की तलाश कर रहे हैं। यह प्लानिंग 2019 से ही शुरू हो गई थी। इसके पीछे ट्रेड वॉर और फिर कोरोना वायरस वजह बना। 2019 के बीच में ही 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने का मन बना चुकी हैं। प्लानिंग है कि ऐसी जगह प्लांट लगाया जाए जो लो कॉस्ट डेस्टिनेशन हो। आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ जहां नियम सख्त ना हो, जमीन आसानी से मिले और लेबर सस्ती हो। इसमें भारत ऑप्शन तो है, लेकिन उसकी टक्कर वियतनाम से है। वियतनाम के मुकाबले भारत को तवज्जो दी जाए, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी है। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और कुछ यूरोपीय देश चीन से शिफ्ट होने लगे हैं। इनको भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा दांव भी चल दिया है। चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए भारत यूरोपीय देश लग्जमबर्ग से लगभग दोगुनी आकार का लैंड पूल विकसित कर रहा है। देश भर में 4,61,000 हेक्टेयर जमीन की पहचान हो चुकी है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1,15,000 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल लैंड है। दुनिया भर के देश भारत को तवज्जो दें, इसके लिए राज्य सरकारें भी कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका ने तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टास्क तक बना दी है। अब रही वियतनाम से टक्कर की बात। कंपनियां जिन चीजों को देख के पैसा लगाने का मन बनाती हैं, उसमें भारत वियतनाम से काफी आगे है। एफडीआई करना यहाँ वियतनाम के मुकाबले काफी आसान है। बंदरगाहों का इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी भारत में 139 कंट्रीज में से 51वें नंबर पे है, वहीं वियतनाम 85वें नंबर पे आता है। तकनीक के इस्तेमाल के मामले में भारत 18वें और वियतनाम 24वें नंबर पे है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत 2019 में ही कॉर्पोरेट टैक्स को 30-22% कर चुका है। भारत आ रही नई कंपनियों के लिए यह 25 से घटाकर 15 कर दिया गया है, जबकि वियतनाम में यह फिलहाल 20% है। एक प्लस पॉइंट जनसंख्या और युवाओं का भी है, इसमें भारत वियतनाम से कहीं आगे है। मतलब वर्क फोर्स मिलने का चांस यहाँ ज्यादा है। लेबर कॉस्ट भी भारत में वियतनाम से काफी कम है। वियतनाम की भौगोलिक स्थिति बाकी देशों में उसकी कनेक्टिविटी अच्छी करती है, लेकिन इसके बावजूद भारत से वो कहीं पीछे है। कोरोना ना जाने कब खत्म होगा, लेकिन अगले 2-3 सालों में ये जरूर साफ हो जाएगा कि भारत की तरफ से की गई लुभावनी कोशिश सफल हुई या वियतनाम भारत से इस बाजी में जीत गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहाँ हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।